तो इस तरह की कंप्लेंट BSE में इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल द्वारा सुलझाई जाती हैं, और इस तरह के मामले में दो तरह की कंप्लेंट होती है कि आपको कोई सर्विस बराबर नहीं दी ब्रोकर ने, या आपका कोई ट्रेड का ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है या आपके पैसे का कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जो समस्याएं रहती हैं उसका हल इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल के द्वारा होता है। ये एक तरह का कंसिलिएटरी प्रोविज़न है जिससे कि वो ब्रोकर और आपको दोनों की बातें सुनकर डिसाइड करते हैं कि किसका पक्ष अच्छा है और किसका पक्ष सही है, और उसके हिसाब से वो निर्णय देते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर की सर्विस रिलेटेड समस्या है तो उसको ब्रोकर को गाइड करके, उसको एडवाइस करके, उसको इंस्ट्रक्ट करके इस तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं। और अगर कोई ट्रेड रिलेटेड है और अगर आपका आपकी समस्या सही है और आपकी समस्या का एडमिशन होता है और ब्रोकर मानता है, तो ब्रोकर के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा उतने अमाउंट से जितना कि आपको पैसा मिलना चाहिए। ये जो इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है, इसमें एक मेंबर भी होता है जो 25 लाख तक के मामलों को सुलझाता है, और एक 3 मेंबर का भी बोर्ड होता है। इस तरह के प्रावधान से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है स्टॉक एक्सचेंजेस में, जिसके जरिए कि आपकी समस्याओं का तुरंत जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय। Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद आप सबका पैसा वसूल में फिर से स्वागत है। अब हम आ पहुंचे हैं इस कड़ी के अंतिम पड़ाव पर। उचित खाना और व्यायाम एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। इसी विषय पर और विस्तार से जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट में। खिलाड़ियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों के लिए विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का संतुलित सेवन आवश्यक है। जब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो बोथ फाइबर एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स दोनों ही जरूरी हैं। प्रोटीन्स हम ऐसे प्रेफर करेंगे जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू हों। जब मैं कह रही हूँ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका एब्जॉर्प्शन लेवल ज़्यादा होना चाहिए। उसी के साथ फैट्स, फैट्स के अंदर कुछ फैट्स हमारे फ्रेंड होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 एंड म्यूफा, लेकिन हमें लिमिट करने होते हैं सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। खेल में सक्रिय रहने के लिए खेल से पहले और खेल के बाद आहार का विशेष महत्व है। When we say pre-game meal, आपके पास options रहते हैं। अगर आपके पास में at least 3 hours हैं, तो आप high fiber खाना लीजिए। It is very necessary कि आप during क्या ले रहे हैं। तो अगर आप something like orange ले सकते हैं, आप figs ले सकते हैं along with rehydration of water, तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। Post में बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो rehydrate करें, क्योंकि हमने इतना fluid loss कर लिया है, तो हमें वो rehydrate करना है। उसी के साथ हमें सारे एनर्जी स्टोर्स रिप्लेनिश करने हैं। जितना जरूरी है पौष्टिक आहार, उतना ही जरूरी है पानी। अगर एक खिलाड़ी पूरी तरह से हाइड्रेटेड नहीं रहे, तो वो उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाता है। पौष्टिक आहार के साथ अच्छी फिटनेस और खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। कई खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बढ़ाने के लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होती है। एनर्जी ड्रिंक में कैफीन, टॉरिन, क्रिएटिन सब यूज़ होते हैं, तो और स्पोर्ट्स ड्रिंक में सोडियम, पोटेशियम और तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स यूज़ होता है, तो गो फॉर स्पोर्ट्स ड्रिंक। अगर आप खेल में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। पहला, कितनी मात्रा में आप क्या खा रहे हैं। दूसरा, खाने की क्वालिटी कैसी है। और तीसरा, क्या आप अपने डाइट के हिसाब से उतना ही परिश्रम कर रहे हैं। हमारे दर्शक पैसा वसूल को बहुत सराह रहे हैं।
आपके ढेरों खत और ईमेल्स भी हमें मिल रहे हैं। कई दर्शकों ने हमसे शेयर बाजार और निवेश संबंधी जानकारी की मांग की है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले एपिसोड्स में इन्हें ज़रूर शामिल करें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हमें लिखिए। हमारा पता है, पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आधेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। Raw Media.